लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार रेलवे स्टेशन पर रेलवे के फ्रंट लाइन कर्मचारियों को वैक्सीन लगना शुरू हुआ। दरअसल रेलवे द्वारा कई बार राज्य शासन से पत्र लिखकर टीकाकरण की मांग की जा रही थी। पिछले कई दिनों से रेलवे कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए राज्य शासन द्वारा अपनी टीम को आज भेजा गया है और करीब 150 लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए गए। इंदौर रेलवे स्टेशन पर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रेलवे PRO जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन पर यह वैक्सीनेशन का दौर जब तक जारी रहेगा तब तक रेलवे के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लग जाए। देखिए, जैसे COVID-19 के बाद में जो वैक्सीनेशन का प्लानिंग हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का पहला प्लानिंग ये था कि यहाँ बहुत ही एसेंशियल लोग हैं उनको लगाया जाए, जो कि लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों को प्लानिंग से लगा है। हम लोगों ने भी डिमांड की थी कि हमारा भी स्टाफ भी फ्रंटलाइन स्टाफ है, उनके लिए भी ये प्लानिंग किया जाए। तो हम लोगों ने 3000 लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो आज स्टेट गवर्नमेंट ने मानते हुए आज अपनी टीम को भेजा है और करीब 150 लोगों का आज वैक्सीनेशन का डोज आए हैं। तो सुबह से हमारे 45 प्लस जो भी हैं और जिनको गंभीर बीमारी है उन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो कुल मिला के हमारे ये वैक्सीनेशन जब तक जारी रहेगा जब तक एक एक एम्प्लॉय को जो उसके एलिजिबल हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक ये जारी रहेगा। और स्टेट के जो हमारे एम्प्लॉय आए हैं वो लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं और हमारा रेलवे और वो दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन आज से स्टार्ट हो गया है।